बेदाग और गोरी त्वचा भला किस महिला की चाहत नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। यही फंडा स्किन पर भी लागू होता है। खूबसूरत और बेदाग स्किन के लिए ना सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी खान पान की ज़रूरत है, बल्कि स्किन की देखभाल के लिए कुछ एक्स्ट्रा नुस्खों की भी ज़रूरत होती है। हालांकि मार्केट में कई प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जो स्किन से दाग धब्बे हटाने और गोरी रंगत देने का दावा करते हैं, लेकिन वे इतने कारगर नहीं होते जितने कि घरेलू नुस्खे। गोरी रंगत पाने के लिए चावल के आटे का फेस पैक एकदम परफेक्ट है, लेकिन इस फेस पैक को कैसे बनाना है और लगाना है यह भी जानना बेहद ज़रूरी है। आइए आपको बताते हैं कि चावल के आटे का फेस पैक कैसे बनाना है। बैक टू माई चैनल, मैं स्पार्कल नैना, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आएँ तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पर यूं ही आती रहेंगी। आपको ट्रैवल कुकिंग और डिलीशियस रेसिपी और ब्यूटी टिप्स एंड DIYs मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, सो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मेरे चैनल तक बने रहते हैं। अमीनो एसिड और विटामिन्स होते हैं जो कि स्किन के लिए वाइटनिंग एजेंट का काम करते हैं और उसे गंदगी से भी बचाते हैं। गोरी रंगत पाने के लिए चावल दरदरे पीसकर उसमें शहद या फिर आप योगर्ट जो कि दही आप डाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि 2 चम्मच आप इसमें चावल का आटा ले लें। आपको मैं बताती हूँ कि चावल को आपको अच्छे से धो लेना है और फिर इसको पीस लेना है ताकि पाउडर फॉर्म में हो जाए, और इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं चावल के आटे के। तो मैं आपको बताती हूँ कि चावल में फेरुलिक एसिड और एंटी एलेंटाइन होता है जो इसे स्किन के लिए एक बेहतरीन सनस्क्रीन बनाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सनबर्न से बचाती हैं और टैनिंग भी दूर रखती है। चावल के आटे को फेस पाउडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद तत्व चेहरे पर मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेते हैं जिससे स्किन ऑयली नहीं होती और ना ही कील मुहासे निकलते हैं। चावल का आटा झुर्रियों और डार्क सर्कल को भी दूर रखने में व स्किन को ग्लोइंग रखने में मदद करता है। यह स्किन के लिए एक बेहतरीन एक्सफोलिएटर का काम करता है और मृत त्वचा डेड स्किन सेल्स को भी निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आप गर्मी के प्रकोप से स्किन को बचाएंगे तो यह घरेलू नुस्खे बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको चावल के आटा आपने जो 1 चम्मच लिया है, आप इसमें योगर्ट आपको ऐड कर देना है। योगर्ट और राइस फ्लोर पाउडर को आपको इक्वल क्वांटिटी रखनी है और इसमें आप 1 पिंच टर्मरिक डाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं योगर्ट बहुत ही स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आपके पास योगर्ट नहीं है तो आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। ये आपकी स्किन ग्लोइंग करता है, निखार लाता है। और आप इसमें 1 पिंच आप टर्मरिक ले सकते हैं। टर्मरिक इज़ वेरी हेल्पफुल टू योर स्किन। आपको यह अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि चावल में अमीनो एसिड और विटामिन्स होते हैं जो स्किन के लिए वाइटनिंग एजेंट का काम करते हैं और इसे गंदगी से भी बचाते हैं। तो गोरी रंगत पाने के लिए चावल दरदरे पीसकर उसमें शहद मिला भी सकते हैं, या फिर आप 2-3 चम्मच आप इसमें दही मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें और फिर इसे चेहरे पर अप्लाई करें। आपको ध्यान रखना है कि आप चेहरे को अच्छे से धो लीजिए, क्लीन कर लीजिए, तब इस फेस रेमेडी को आप अप्लाई करिए। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप ये कर सकते हैं और इसे आधा घंटा चेहरे पर यूं ही छोड़ दें। आप ऐसे फेस मास्क लगाकर उसे हल्के हाथों से रगड़ें और 5 मिनट बाद ठंडे पानी से आप नॉर्मल पानी से इसको आप चेहरा आप धो सकते हैं। यह रेमेडी हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। मीडी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको इस फेस मसाज, अगर आप फेस स्क्रब कर रहे हैं, फेस मसाज कर रहे हैं या फिर आप टैनिंग हो रखी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस रेमेडी को। और आपको इसको सर्कुलर मोशन में, जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, आपको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करनी है ताकि अच्छे से स्क्रब ये काम कर सके, फेस मास्क काम कर सके। तो ये बहुत ही आसान है रेमेडी बनाना। स्किन वाइटनिंग, डेड स्किन सेल्स, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये फेस मास्क। तो आप भी इसे अप्लाई करें बिल्कुल सर्कुलेशन मोशन में। आपको इसे धीरे धीरे इस तरीके से मसाज करनी है ताकि जितनी भी डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाए और जितनी भी निखार सेल्स हैं वो अच्छे से उभर कर आए। बहुत ही अच्छी लगती है ये सारी रेमेडी। तो ये बहुत ही अच्छा ग्लो आपके चेहरे पर निखार लाती है, ग्लोइंग स्किन बनाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो आपको मेरी चैनल पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।